क्रिस्पी कुलचा पिज्जा सैंडविच। आटे के कुलचे हैं दो, देखिए एक के अंदर एक, अंदर इसको पिज्जा की तरह भरा है हमने चीज वगैरह सब डालकर, देखिए, और मोजरेला चीज है, सब्जियां हैं सारी, और सैंडविच की तरह क्लोज करके फिर हमने इसको ओवन में बना दिया था। बहुत ही यमी है खाने में, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। फूड इज वेलकम। आज हम बनाएंगे कुलचा पिज्जा सैंडविच। जी हाँ, कुलचा जो है वो हमारा बेस होगा, और क्योंकि एक के ऊपर एक रख देंगे तो सैंडविच की तरह बन जाएगा। तो ये मेरे पास मोजरेला चीज है जो कि 2 टेबलस्पून के करीब है। इसके अलावा एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, मशरूम दो हैं ये पतले पतले लंबे लंबे काटे हुए हैं, और इसके अलावा हरी मिर्च। ये देखिए, ये दो हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने काट ली थी। आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज्यादा तीखा नहीं चाहिए वो तो कम भी कर सकते हैं। अब जब तक मैं इसके अंदर नमक वगैरह मिक्स करती हूँ, मैं तवे पर कुलचे को जो इसकी अंदर वाली साइड होती है वो सेक लेती हूँ, सिर्फ अंदर वाली, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास जो है आटे वाले कुलचे हैं, मैदे के कुलचे नहीं लिए हैं मैंने। ये देखिए, ये आगे की साइड है, ये पीछे की साइड है। इसके ऊपर कागज लगा हुआ है, ये उतार देती हूँ और इसको हल्का हल्का ये अंदर वाली साइड जो है इसको सेक लेती हूँ। ये देखिए, ये हल्का हल्का सेक लिया मैंने, दूसरा भी सेक लेती हूँ इसी तरीके से। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, देखिए दूसरी भी हो गई है। अब सबको मिक्स कर दूंगी मैं। अब जब तक हम इसको तैयार करते हैं, मैं ओवन को जो है 10 मिनट के लिए प्री हीट पर रख देती हूँ।
बेकिंग पर 200 डिग्री। ये बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी पकने में क्योंकि कुलचा जो है वो ऑलरेडी पका हुआ होता है तो ज्यादा टाइम नहीं लेता। तो अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। ये रहा मेरा कुलचा। पिज्जा पास्ता सॉस आज मैं रेडीमेड यूज कर रही हूँ। वैसे मैं आपको पिज्जा पास्ता सॉस की रेसिपी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके ऊपर डाल देंगे हम चीज। फिर वेजिटेबल्स, इसके ऊपर रख दिया मैंने ये दूसरा कुलचा। इनफैक्ट ऐसे नहीं रखूंगी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर थोड़ी डिफरेंट सॉस डालूंगी मैं, जो पास्ता सॉस होती है, थोड़ी सी टैंजी ज्यादा होती है और मेयोनीज। देखिए 1 टीस्पून जितना मेयोनीज है, इस सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। स्प्रेड कर ये रखा इसके ऊपर और अब हम ओवन के प्री हीट होने की वेट करेंगे। तब तक मैं दूसरा भी तैयार कर लूंगी। फूडीज देखिए ये हो गया और ओवन भी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी आवाज भी आ जाएगी जब तक मैं ये रखूंगी, तो मैं इसको रख ही देती हूँ। और इसको रखने के बाद इसको मैं 5 मिनट्स के लिए बेक करूंगी और 5 मिनट्स के लिए ऊपर वाले सेक्शन से ग्रिल कर दूंगी। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे अंदर। मैंने इसको 10 मिनट्स पे कर दिया है और मैं लौट के 5 मिनट के बाद इसको ग्रिल पर कर दूंगी और फिर आपको निकाल कर दिखाएंगे। फूडीज ये बन गया, ये देखिए। अब इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। बना ना ब्रेड सैंडविच जितना क्रिस्पी, अच्छे से आवाज भी आ रही होगी आपको। तो ये देखिए ये सैंडविच बनकर हमारा तैयार है। तो आप भी बनाइए, खाइए और बताइए कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।